वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। तो आज मैं अपने आईब्रोज के जो 10 डेज़ के जो क्लासेस थे वो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मेरे क्लासेस का फर्स्ट डे है, तो आज पहला दिन है, इसलिए मैं पहले दिन आपको थ्रेडिंग वगैरह बनाना नहीं सिखाऊंगी। पहले दिन आपको मैं धागे के बारे में नॉलेज दूंगी आपको, प्लस धागा किस तरीके से चलाते हैं वो मैं बताऊँगी, ठीक। तो देखिए, मेरे पास अभी 2 धागे ही रखे हैं, 2, क्योंकि मैंने ये चीज़ इमरजेंसी में एक बार मैंने ख़रीद लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसे दोबारा नहीं ख़रीदे। बाकी मैं रेगुलर यूज़ में इसे ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मुझे ये धागा काफ़ी अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिका का है, और ये आपका MRP इसकी 60, देख सकते हैं 60 इसकी MRP है। 40 नंबर का धागा है तो, और ये आपको मिलेगा 30 रुपीज़ का, 30 रुपये का आपको ये धागा मिलेगा, 30 रुपये का इसका भी नंबर, 40 नंबर का ये धागा है। पर स्टार्टिंग में अगर आप जैसे घर से ट्राई कर रहे हैं, घर पे अगर चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आपको ये धागा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे घर में जो नॉर्मली धागा पड़े आप उस चीज़ से भी ट्राई कर सकते हैं, बाद में आप इसे ख़रीदें। तो मैंने दोनों धागे आपको दिखा दिए, बाकी दोनों में खास कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी इसमें का कलर आपको वाइट कलर का मिलेगा, और इसमें आपको ग्रीन कलर का धागा मिलेगा, हल्के ग्रीन कलर का धागा, जो पिस्ता कलर होता है उस कलर का। तो इसको मैंने दोबारा फिर परचेज़ नहीं किए, क्योंकि मुझे फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं धागा, आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखो आप, इस तरीके का आपको धागा मिलेगा। आप इसके बॉक्स को भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। अगर आप थ्रेड धागा ख़रीदने के लिए मार्केट जा रहे हैं, तो आप कोई सा भी धागा ले सकते हैं। मैं कोई धागा बेस्ट या फिर कोई धागा बेकार सा नहीं बताऊंगी मैं, सारे धागे सेम जैसे ही होते हैं, बस कुछ डिफरेंस होते हैं। बाकी अगर आप फ्रेशर हैं, न्यू हैं, तो आप घर में जो धागे पड़े आप उसी चीज़ से ट्राई करें। आपको ऐसे धागे ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में जब आपको आ जाए तब जाके आप इस तरीके का धागा ख़रीद के घर में रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके के धागे यूज़ किए, तो अब मैं आपको धागा किस तरीके से चलाते हैं मैं वो चीज़ आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो धागे का जो सिरा होता है हमारा, जो खुला हुआ मुँह होता है, इसको हमें क्या करना होता है कि अपने, जैसे कोई कोई ऐसा करता है ना कि अपने शोल्डर के साथ, अपने गर्दन के साथ ही इसे अटका लेते हैं थोड़ी, 1-2 काट डाल के। बाकी को अधिकतर तो मुंह में ही रखते हैं, जैसे दांतों के नीचे प्रेस कर लेते हैं। मैं तो अपने दांतों के नीचे ही प्रेस करती हूँ इसे। तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके का धागा लेना है, ठीक है। और आपको धागा लेने के बाद जब आप इसमें वर्क करोगे ना, तो कम से कम ऐसे कैची जैसा एक सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कैची होती है हमारी, तो इसको आप इस तरीके के बनाओ कि ये कैची की तरह चलने लग जाए, ठीक। तो आपको क्या करना है कि इस वाले सिरे को अपने दांतों के नीचे प्रेस करना है, ठीक है। एक साइड में अपने मुंह में दांतों के नीचे प्रेस कर ले, ठीक। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये करना है कि इस तरीके से थोड़ा सा धागा निकाल ले। निकालने के बाद फिर उसके बाद इसका जो ये वाला सिरा होता है, आपको इस तरीके से शेप देना है, देखिए ऐसे, ठीक। ऐसे आप पकड़े, पकड़ने के बाद आपको क्या करना है कि इस वाले उंगली में, पहले तो आपको इस वाले उंगली में, ये जो हमारी उंगली होती है, आपको इस वाले उंगली में पूरे अच्छे से ऐसे 1-2 बार ऐसे घुमा लेना है, ठीक। दूसरा आपको इस वाले उंगली से ये वाला सिरा इस तरीके से पकड़ लेना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे एक सेम इस तरीके से शेप बना ले, ठीक। बनाने के बाद जाके आपको क्या करना है कि अपने धागे को ऐसे, स्टार्टिंग में आप 3 उंगलियों में फंसाए, अगर आपको नहीं आ रहा है 2 उंगली से, तो आप स्टार्टिंग में 3 उंगली में इस तरीके से फंसाए, या फिर आप 5 उंगली को भी इस तरीके से फंसा सकते हैं, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप स्टार्टिंग में ट्राई करें, ठीक है। बाद में आपको जो भी आपको सुधार करना है वो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से उंगलियों को इस तरीके से फंसाना है, फिर ऐसे अंदर की तरफ
आप 5 बार नट लगाए या फिर आप 7 बार नट लगाए तो आपको ऐसे अंदर की तरफ नट लगाने हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। सो मैंने 7 बार नट लगाया, आपने देखा 7 बार मैंने इस तरीके से धागे को घुमाया, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये जो सारे जो नट्स है इनको आप इकट्ठा एक जगह पे करना है, ऐसे खींच के आप एक जगह पे इकट्ठा कर ले, ठीक। इकट्ठा करने के बाद आपको इसे कैची की तरह चलाना है, जैसे ये हो गया, आपने ये 3 उंगली अंदर की तरफ किए, ठीक। अंगूठे को भी आप यहाँ रखें, रखने के बाद जाके आपको क्या करना है, इस तरीके से इस वाले हाथ से आपको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे, ठीक। जैसे ये सारे नट्स आपके इस वाले हाथ की तरफ आएंगे ऐसे, तो आपको क्या करना है कि इस वाले हाथ को ना ऐसे फैला देना है एक बार, ठीक। फिर उसके बाद आपको फिर ऐसा करना है, फिर उसके बाद आपको इस वाले हाथ से ऐसे फैलाना है, मतलब आपको कुल मिला के जैसे एक आप कैची चलाते हैं ऐसे, ऐसे जब आप कैची चलाते हैं तो आपको सेम उसी तरीके से आपको कैची चलाने हैं, एक कैची वाला आपको पूरा प्रॉपर लुक देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एकदम मैंने इस तरीके से चलाया, इस वाले उंगली को आपको, इस वाले जो अंगूठे को ना आपको अच्छे से प्रेस करके रखना है यहाँ पे, इसको बिल्कुल भी ढीला नहीं रखना है आपको, इस तरीके से इसी से ही प्रेस करना है। तो आपको इस तरीके से ऐसे देख सकते हैं आप, मैं इस वाले हाथ का इस्तेमाल तब कर रही हूँ जब ये सारे जो नट्स है वो धीरे धीरे यहाँ को आ रहे हैं मेरे, तब जाके मैं इस वाले हाथ को ऐसे फैला रही हूँ, ठीक। और इस वाले हाथ का काम होता है कि आपको धागे को ऐसे टाइटली आगे की तरफ प्रेस करना होता है, देखिए आपको इसी तरीके से सेम इसी तरीके से धागे चलाने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको धागा चलाना नहीं आएगा, पर अगर कंटिन्यू आप ट्राई करोगे तो आपको ज़रूर धागा चलाना आ जाएगा। मैं एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ कि आपको इस तरीके से धागा लेना है, लेके इसका एक सिरा यहाँ पर आपको बांध लेना है, ठीक है। दूसरा आपको जब आप एक्स्ट्रा धागा निकालोगे तो उसको इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के उसके बाद अंदर की तरफ आप ऐसे 4 बार 5 बार या फिर 7 बार आप इस तरीके से नट लगा सकते हो, ठीक। तो फिर उसके बाद जाके आपको इस तरीके से इस वाले हाथ को अच्छे से प्रेस करके फिर इस वाले हाथ को ऐसे फैला हुआ रखना है, ऐसे ही ऐसे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, स्टार्टिंग में आपको धागा चलाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप घर में जो धागे अवेलेबल है उसी से ही आप ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद जाके जब आपको आ जाए अच्छे अच्छे तब जाके आप इस तरीके का एक धागा ख़रीद लें, ठीक। स्टार्टिंग में आप ट्राई कहाँ करें, स्टार्टिंग में जैसे आप घर पर है तो घर पर आप जैसे अगर आपके पैर में थोड़े बहुत बाल है तो आप उसको साफ़ करें थोड़ा थोड़ा करके, पर ये नहीं कि अगर आप धागा चला रहे हो तो आप कंटिन्यू साफ़ ही करें, ऐसा ना करें। कम से कम एक एक बालों को अच्छे से निकालने की कोशिश। जब आप स्टार्टिंग में धागा चलाना शुरू करें तो आप क्या करें कि अपने इस वाले एरिए में धागा चलाना स्टार्ट करें। जैसे आपके घर में कोई भी, मतलब आपकी मम्मी हो या फिर आपकी चाची या फिर कोई भी, मतलब आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई भी पर्सन हो तो उनके इस एरिए में आप धागा चलाना पहले स्टार्ट करें, इस एरिए में, ठीक है। उसके बाद आपको पैर के जो एक्स्ट्रा हेयर होता है आप उसे रिमूव करें अच्छे से, उसे निकालने की कोशिश करें। अगर आप कंटिन्यू इस तरीके से वर्क करेंगे तो 100% आपको मेरे जो ये 10 डेज़ के जो क्लासेस होंगे उसी के अंदर आपको थ्रेडिंग धागा चलाना ज़रूर आ जाएगा और आप अच्छे से एक थ्रेडिंग बनाना सीख भी जाओगे, ठीक है। तो आप आज से स्टार्ट करें, प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली है। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, मैं क्लासेस अगर कंटिन्यू नहीं भी कर पाई तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि 2 दिन या फिर 3 दिन के गैप में मैं एक एक वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो आज
आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं नेक्स्ट डे में आपको दिखाऊंगी जो नेक्स्ट क्लास में होगा कि थ्रेडिंग के जो हेयर्स होते हैं हमारे उसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो बहुत बारीकी से मैं आपको चीज़ों को दिखाऊंगी, इसलिए मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहें। बाकी के वीडियोस में आपको जो थ्रेडिंग जितने भी शेप्स के थ्रेडिंग्स होंगे मैं वो बनाना आपको ज़रूर सिखाऊंगी और बहुत बारीकी से सिखाऊंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़े आप। सो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं आगे वीडियो भी काफ़ी अच्छे अच्छे ले कर आऊँगी। वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप लोग सब लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें कि आपको किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए या फिर आगे क्या आप सीखना चाहते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियोस लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी आप घर पर इस वाले धागे को अगर नहीं ख़रीद पाए तो आप घर में जो धागे हैं आप उसी से ट्राई करें प्लीज़, ताकि आपको भी आ जाए और मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसका भी मुझे अच्छे से फल मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।